अयोध्या में सुंदरकांड। जी हां, अयोध्या में सुंदरकांड। अयोध्या में दिवाली जैसा उत्सव है क्योंकि यहां पर अब भव्य राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि केंद्र की सरकार ने आज ट्रस्ट का अनाउंसमेंट कर दिया है। अब ऐसे में अयोध्या शहर से लेकर के पूरे भारत में राम के भक्तों में न सिर्फ एक उत्साह है, बल्कि एक ऐसा जोश और इंतजार में आंखें उस उम्मीद की तरफ लगाए बैठे हैं कि अब ट्रस्ट के आश्वासन के बाद में, अनाउंसमेंट के बाद में राम मंदिर का भव्य निर्माण और उसकी शुरुआत कब होगी, कब उस दर पर जाकर के राम के भक्त मत्था टेक पाएंगे। जय श्री राम, जहां हुए थे जन्म वहीं मंदिर बनाए। खत्म हुआ सदियों का इंतजार, अब की बार मंदिर निर्माण। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। लोकतंत्र के मंदिर में पीएम मोदी ने राम मंदिर के लिए जैसे ही यह ऐतिहासिक ऐलान किया कि भव्य और दिव्य राम मंदिर के लिए ट्रस्ट का काम पूरा हो गया है, तो संसद भवन का गलियारा तालियों की थाप से गूंज उठा और उसकी गूंज देश भर में सुनाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। अयोध्या में गूंजा जय श्री राम, साधु संतों में खुशी की लहर। सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या में तो ये नया सूर्योदय है। सरयू की शांत लहरें भी खुशी की खुमारी पर सवार हो गई। उमंग के इस उत्सव में साधु संत जय श्री राम का जय घोष करने लगे। आज देखिए बड़ा ही ऐतिहासिक पल है। वैसे तो ऐतिहासिक 9 नवंबर को हो गया था 2019 को, लेकिन 2010 में आज का दिन भी ऐतिहासिक है, जब इस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की घोषणा की गई है। और आज ट्रस्ट की घोषणा हो गया, निश्चित रूप से अब भगवान श्री राम लला जो अब तक टेंट में थे, अब उसके मार्ग प्रशस्त हो गए। राम जन्मभूमि के प्रति जो भी घोषणा, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो उत्तम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, अच्छा है। क्या लगता है आप कब से मंदिर का निर्माण भी करेंगे? मंदिर के निर्माण कार्य बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, अब समय आ चुका है, सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, अब उससे कोई विलम्ब नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट में सामाजिक सौहार्द। राम मंदिर के इस ट्रस्ट में सरकार ने सामाजिक सौहार्द की कड़ियों को भी जोड़ रखा है। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक इस ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी होंगे और एक ट्रस्टी दलित समाज से रहेगा। 1989 में
बीएचपी के शिलान्यास कार्यक्रम की पहली ईंट भी कामेश्वर चौपाल नाम के दलित ने ही रखी थी। पीएम मोदी ने भी सभी से अपील करते हुए कहा कि आओ मिलकर राम का मंदिर बनाएं, लेकिन ओछी राजनीति ने राम मंदिर ट्रस्ट में भी अपना रास्ता खोज लिया। कांग्रेस और ओएसी को ये सब रास नहीं आया, दोनों ट्रस्ट की टाइमिंग पर तमाशा करने लगे। अब ये राजनीति जो ना कराए वही अच्छा। आपने पार्लियामेंट के अंदर कहा, यकीनन पार्लियामेंट सॉवरेन है, मगर जब अब दिल्ली का चुनाव हो रहा है, आप 8 तारीख के बाद कर सकते थे, पार्लियामेंट तो 11 तक है ना, मगर अभी करना था। तो लगता है बीजेपी बड़ी परेशान है दिल्ली इलेक्शन में। बहरहाल देश के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है, तो अयोध्या के लिए अद्भुत। राम मंदिर ट्रस्ट के ऐलान के बाद हर कोई कह रहा है कि अब की बार मंदिर निर्माण। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और ऐसे में करोड़ों राम भक्तों को अब इंतजार है तो बस उस पल का, जब अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण कर शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 3 महीने के भीतर ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया था। समय सीमा खत्म होने से 4 दिन पहले केंद्र सरकार ने ट्रस्ट का गठन किया। ट्रस्ट के अध्यक्ष के लिए पहले नृत्य गोपाल दास का नाम चल रहा था, मगर सबको चौंकाते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील के परासरन को ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया। ट्रस्ट का गठन हो चुका है, अब तारीख का ऐलान होगा कि किस दिन निर्माण कार्य शुरू होगा। प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट बनाने की घोषणा की है पार्लियामेंट में, मैं इसको स्वागत करता हूं और प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। राम मंदिर के निर्माण का एक अध्याय पूरा हुआ। आज भारत सांस्कृतिक अधिष्ठान की दृष्टि से एक बहुत बड़ी छलांग मार गया है। गौरव का दिन है आज, मैं तो अपने घर में आज दिए जलाऊंगा और मैं सबसे कहूंगा कि आज जरूर अपने घर में एक दिया जलाएं। संसद की परिधि से प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ऐलान किया, तो संसद के साथ साथ देश का माहौल भी राममय हो गया। रामनवमी से पहले अयोध्या के प्रांगण में दिवाली जैसा उत्सव शुरू हो गया। ट्रस्ट निर्माण की खुशी से राम भक्त पटाखे जलाकर अयोध्या में नए सूर्योदय का स्वागत करने लगे। राम जन्म भूमि क्षेत्र ट्रस्ट के नाम से बनाया, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम से बनाया गया है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 67 एकड़ भूमि राम मंदिर के लिए देकर के एक ऐतिहासिक फैसला किया है। इसके लिए मोदी जी और अमित शाह जी को प्रथम तो बहुत बहुत बधाई। देश को पहला प्रधानमंत्री मिला है जो अपने आप को हिंदू कहने में गर्व अनुभव करता है, और संसद में खड़े होकर के जय श्राम का नारा लगा करके उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्राम के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की है। अयोध्या के अलावा मथुरा काशी में भी साधु संत सरकार के संदेश पर खुश नजर आए। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से शीघ्रतापूर्वक कार्य किया है ये सराहनीय का काम किया है। दूसरी बात, उन्होंने एक बड़ा अच्छा कार्य किया है कि जो ट्रस्ट में एक दलित भी रखा जाएगा, ऐसा उन्होंने एक निर्णय दिया है। राम भक्तों को सुनकर लग रहा है मानो उन्हें बस इसी पल का इंतजार था। हर कोई भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए बेताब। विश्व का नंबर एक पटल पर ये मंदिर का की स्थापना होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। 15 सदस्यों का श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया है, जिसमें 9 स्थायी और 6 नामित सदस्य होंगे। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष रामलला का मुकदमा लड़ने वाले वरिष्ठ वकील के परासरन को बनाया गया है। के परासरन जी आए हैं, ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए, इस ट्रस्ट को मैं स्वागत करता हूँ। क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, ये सब बात को समझते हैं, ये ट्रस्ट के अध्यक्ष में है, इसके लिए स्वागत है। ट्रस्ट में दलित समाज की भूमिका भी होगी, इसके लिए एक सदस्य दलित होगा। वहीं पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह ने भी ओबीसी समाज से एक सदस्य शामिल करने की मांग की। हिंदुस्तान के अंदर
जो ओबीसी क्लास है, जो कि पिछड़ा पिछड़ा वर्ग है, भिन्न भिन्न जातियाँ हैं पिछड़े वर्ग में, वो राम के प्रति बड़ी अटूट श्रद्धा रखती हैं। एक मेरा सुझाव ये है कि ओबीसी में से भी किसी भी व्यक्ति को उस ट्रस्ट का एक मेंबर बना लिया जाए। बहरहाल कानूनी दांव पेचों के बाद राम भक्तों को अब इंतजार है उस वक्त का, जब सरयू के तट पर भव्य राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो ट्रस्ट का ऐलान हो चुका है और ट्रस्ट के ऐलान के बाद में अब जल्द ही आसमान छूता राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन कैसा होगा मंदिर, क्या क्या खासियत होंगी इसमें, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। राम के देश में, राम की धरती पर राम मंदिर के लिए राम के नाम का ऐलान है ये। भारत के भाल पर राम तिलक लगाने का स्वाभिमान है ये, और सनातन की सीमाओं पर शाश्वत सा शिखर सदा रहे उसका समाधान है ये। बहुत सुंदर तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरे देश की जनता ने स्वीकार किया। आज एक महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने कही कि जो सुझाव केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिया कि सुन्नी बोर्ड के लिए भी यथोचित जमीन का प्रबंध किया जाए, जिस पर राज्य सरकार ने शायद अपनी सहमति जता दी है, इससे देश में एक सद्भावना के नए युग का आरंभ होगा। अब जब लोकतंत्र के मंदिर से राम मंदिर ट्रस्ट का रास्ता साफ हो गया है, तो जल्द ही सरयू के तीरे से आसमान छूता भव्य राम मंदिर दिखाई देगा। दशकों से प्रस्तावित मंदिर की कार्यशाला में छज्जे, पिलर और पत्थर तराश रहे स्वयं सेवकों का इंतजार खत्म हो रहा है। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब अयोध्या की परिधि में प्रवेश करते ही मंदिर के गुंबद से लहराती राम पताका दिखाई देगी। इसमें कोई शक नहीं, मंदिर सुंदरता और भव्यता के पैमानों पर पहले स्थान पर होगा। हम मानते हैं कि बहुत अच्छा किया है ट्रस्ट क्षेत्र के घोषित किया, तो अयोध्या तीर्थ ट्रस्ट पूरा के घोषित किया है, वो का किए हैं। ये अच्छा चीज़ है कि राम जी के मंदिर के प्रति ट्रस्ट बने, इसके लिए हम लोग सब हृदय से स्वागत करते हैं इसका। मंदिर का निर्माण कैसे होगा, मंदिर का मुख्य द्वार कैसा होगा, मुख्य मंदिर के आसपास क्या क्या होगा, रामलला और सीता रसोई कैसी होगी, ये ख्याल अभी राम भक्तों के जहन में उठ रहा है। सदियों से मंदिर की राह देख रहे राम भक्तों का ये मंदिर कैसा होगा, हम आपको बताते हैं। प्रस्तावित राम मंदिर का मॉडल पहले ही तैयार किया जा चुका है। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस मॉडल को अयोध्या की धरती पर उतारेगा। मंदिर नागर शैली में बना अष्टकोणीय होगा। मंदिर में भगवान राम की मूर्ति लगेगी। मंदिर के अंदर राम दरबार भी होगा। मुख्य मंदिर के आगे पीछे सीता, लक्ष्मण और भरत, भगवान गणेश के मंदिर होंगे। कहा जा रहा है ट्रस्ट मंदिर को अक्षरधाम मंदिर की शैली में बनाएगा। मंदिर परिसर में संत निवास, कर्मचारी आवास और भोजनालय भी बनाए जाएंगे। मंदिर 2 मंजिला होगा। नीचे की मंजिल में भगवान राम की विशाल प्रतिमा लगाई जाएगी। ऊपर की मंजिल में राम दरबार होगा। मंदिर में
प्रवेश के लिए 24 द्वार बनाए जाएंगे। मंदिर की लंबाई 268 फीट, चौड़ाई 140 फीट और ऊंचाई 128 फीट होगी। मंदिर को मजबूत बनाने के लिए इसके बीम में ग्रेनाइट पत्थर लगाए जाएंगे। इसके अलावा मंदिर में 212 स्तंभ होंगे, हर मंजिल में 106 स्तंभ होंगे। पहली मंजिल पर स्तंभों की ऊंचाई 16 फीट होगी, दूसरी मंजिल पर स्तंभों की ऊंचाई 14 फीट होगी। हर स्तंभ पर यक्ष यक्षिणियों की 16 मूर्तियां बनाई जाएंगी। जल्द ही मंदिर का शिलान्यास होगा। मंदिर की खास बात यह होगी कि इसमें लोहे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाएगा, इसलिए मंदिर में करीब 1.75 लाख टन फुट पत्थर लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और इस ट्रस्ट के गठन के साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन भी दे दी गई। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अयोध्या में मस्जिद की जमीन का चयन करना मुश्किल भरा काम था, क्योंकि संतों की मांग थी कि 14 कोसी परिक्रमा के दायरे के अंदर मस्जिद की जमीन ना हो। वहीं कोर्ट का कहना था कि जमीन अयोध्या में ही होनी चाहिए। ऐसे में सूबे के मुखिया ने धर्म और राजधर्म दोनों को निभाते हुए मस्जिद के लिए जमीन का चयन किया। अयोध्या में कहां बनेगी जमीन, कहां बनेगी मस्जिद, रिपोर्ट देखिए। अयोध्या की फिजाओं में बहते सामाजिक सौहार्द को बरकरार रखने के लिए सर्वोच्च अदालत ने मुस्लिम पक्ष को भी 5 एकड़ जमीन देने का फैसला सुनाया था। अदालत ने सरकार को 3 महीने के भीतर ट्रस्ट गठन के साथ साथ मस्जिद के लिए जमीन चिन्हित करने का आदेश दिया था। समय की मियाद खत्म होने से महज 4 दिन पहले सरकार ने न सिर्फ श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन कर कोर्ट के आदेश का पालन किया, बल्कि अयोध्या में मस्जिद के लिए जमीन का भी चुनाव कर लिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में ट्रस्ट की सदन में घोषणा प्रधानमंत्री जी ने किया है, ये भारतवासियों के लिए संपूर्ण देश में और संपूर्ण विश्व में बहुत ही गर्व और उल्लास का दिन है। जमीन के चुनाव से पहले सरकार ने 3 विकल्पों पर विचार किया था, लेकिन मस्जिद मंथन के बाद रामलला जन्मभूमि से 14 कोस दूर 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिए जाने में सहमति बनी। सब लोग कार सेवा में हम सब लोग जाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, जो हम लोगों ने संकल्प लिया था मंदिर वहीं बनाएंगे, जहां राम ने जन्म लिया है मंदिर वहीं बनाएंगे। वो संकल्प पूरा हुआ, पूरे देशवासियों का सपना पूरा होगा। प्रस्तावित मस्जिद की जमीन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधर्म और योगी धर्म दोनों का पालन किया। मस्जिद के लिए जमीन 14 कोसी परिक्रमा के दायरे से बाहर रहे, इसको लेकर बीते दिनों संत समाज में काफी चर्चा चल रही थी, लेकिन कोर्ट का आदेश था जमीन अयोध्या में ही होनी चाहिए। भविष्य में फिर से विवाद खड़ा न हो, इसके लिए 5 कोसी परिक्रमा के दायरे में जमीन दी नहीं जा सकती थी। 14 कोसी परिक्रमा के दायरे में मस्जिद के लिए जमीन संतों को मंजूर नहीं थी। 84 कोसी परिक्रमा के बाहर अयोध्या की सीमा खत्म हो जाती है। इसमें उत्तर प्रदेश के 6 जिले बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, बहराइच, अंबेडकर नगर और बस्ती आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जमीन अयोध्या में ही होनी चाहिए, लिहाजा संतों की मांग और कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए योगी सरकार ने 14 कोसी परिक्रमा से बाहर और 84 कोसी के अंदर रोनाही क्षेत्र को चुन लिया। योगी सरकार के इस फैसले से संत समाज खुश है। वैभव का कल्पना किया था, परम वैभव पे हम भारत माता को ले जाएंगे। अब लग रहा है कि पहला पावदान ये अंतिम नहीं है, इसके बाद राम राज की कल्पना और परम वैभव की जो संघ के लोग सब गाया करते थे उसका भी साकार होगा। मस्जिद की जमीन के लिए भले ही सरकार ने मोहर लगा दी हो, मगर मुस्लिम पक्ष को ये मोहर मंजूर नहीं। जमीयत उलेमाए हिंद का कहना है रोनाही में
जमीन लेने वाला सुन्नी वक्फ बोर्ड ना तो मुस्लिम समाज का सर्वे सर्वा है और ना ही मुसलमान 5 एकड़ जमीन का भिखारी। ताजमहल दिया है, लाल किला दिया है और ना जाने लाखों बल्कि करोड़ों मस्जिदें आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में मौजूद हैं और सिर्फ मुसलमानों की बनाई हुई हैं। लिहाजा अगर मुसलमानों को ज़रूरत होगी तो वो अपने पैसों से मस्जिद बना लेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश शिया बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी का मानना है कि 5 एकड़ जमीन पर हक सुन्नी बोर्ड से ज्यादा शिया बोर्ड का है। जो शिया मीर बाकी ने स्ट्रक्चर का निर्माण किया था उसके बदले में जो सुन्नियों को जमीन मिली वो शियों की गलती है, क्योंकि शियों ने हमेशा सुन्नियों से दबकर अपनी आवाज को उठाया नहीं। जब हमने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखी तब 71 साल की देरी हो चुकी थी, जिसकी वजह से आज जो 5 एकड़ जमीन जो शियों की होनी चाहिए थी वो सुन्नियों को मिल रही है। मगर इन सब से इतर बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार रहे इकबाल अंसारी का कहना है कि अयोध्या में हिंदुओं के ठहरने के लिए कोई भी धर्मशाला नहीं, लिहाजा वहाँ धर्मशाला का निर्माण हो। हिंदुओं के लिए कोई धर्मशाला अयोध्या में फ्री का नहीं है। हमें चाहते हैं अगर हमें मस्जिद के लिए जमीन दी जाती है तो अयोध्या में हम हिंदुओं के लिए भी धर्मशाला फ्री का बनाएंगे, इससे गरीब यात्रियों में जो है उनको रहने का इंतजाम हो सके। बहरहाल 9 नवंबर को आए ऐतिहासिक फैसले के बाद अब ट्रस्ट का गठन हो गया है, साथ ही सरकार ने मस्जिद की जमीन का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन उलेमाए हिंद के ऐतराज के बाद लगता है मस्जिद की राह अभी आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो ट्रस्ट का गठन करके और मस्जिद के लिए जमीन का ऐलान करके सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन केंद्र सरकार के साथ साथ में योगी सरकार ने भी कर दिया है। अब इंतजार सभी को राम के भव्य मंदिर का। अभी के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए R9 टीवी के साथ।